जिला प्रशासन से हुए सम्मानित मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान समारोह। पाली के सेंट एंजल्स स्कूल में हुआ मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह। उमरिया जिले में बीर सिंहपुर पाली के पाली प्रोजेक्ट स्थित सेंट एंजल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हम आपको बता दें कि यहां आयोजन की शुरुआत माता बिरासिनी की पूजा अर्चना करने के बाद आए मुख्य अतिथि के रूप में आगंतुकों का स्वागत करते हुए सभी छात्रों का एवं जिले में विद्यालय का एवं अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कड़ी में 12वीं एवं 10वीं के मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र व मोमेंटो और मेडल के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, शिक्षा क्षेत्र से चिकित्सा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सभी अतिथियों को भी मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। छात्रों की प्रस्तुति से आए हुए सभी अतिथियों को मन मुग्ध कर दिया। इस सम्मान विदाई समारोह में बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना की गई। इसी कड़ी में जिले में कॉमर्स ग्रुप में नाम रोशन करने वाली श्रेया देवांगन एवं गणित संकाय से जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले यथार्थ उर्मलिया एवं स्कूल में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के संस्थापक आरएन कुशवाहा ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए सभी आए हुए आगंतुकों का अभिनंदन किया। आंगन है, मैं सेंट एंजल स्कूल से क्लास 12 कॉमर्स ग्रुप से हूँ। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स ग्रुप में टॉप किया है। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। आज जो सम्मानित जो मुझे आज सम्मानित किया गया है उसके उसका पूरा श्रेय प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। स्पेशली पुष्पा मैम जो मेरी क्लास टीचर हैं उनको थैंक यू। पुष्पा मैम, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू सो मच। मैं आगे एयरफोर्स से अपना आगे की पढ़ाई करूँगी। मेरा नाम यथार्थ उर्मलिया है। मैंने कक्षा 12वीं में PCM सब्जेक्ट से टॉप किया है। सेंट एंजिस स्कूल के बारे में कहना चाहूँगा, सारे टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सभी ने सपोर्ट किया। कुशवाहा सर के बारे में कहना चाहूँगा कि समय समय में सर ने मार्गदर्शन देते हुए बताया कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा ला सकते हैं और जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्क पा सकते हैं। आज सभी के बीच में आपको सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे चल के मैं UPSC की परीक्षा देना चाहता हूँ और IAS बन के अपना और अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हमारे इस विद्यालय की बच्ची जिले में प्रथम स्थान कॉमर्स ग्रुप में प्राप्त किया है, उसी को डेडिकेटेड करते हुए हमने एक प्रतिभा अभिनंदन समारोह यहाँ रखा हुआ है, जिसमें हमारे जो चीफ अतिथि आए हुए हैं हम उनके सम्मान में भी अतिथि देवो भव करके उनके लिए भी इस बच्चे ने रखा है। और हमारे यहाँ के 7 बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, जिनको मेधावी छात्र योजना का लाभ भी मिलेगा। हमने इस स्कूल के माध्यम से उनको भी उनका उत्साह वर्धन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए उनको भी हमने सम्मानित किया हुआ है। और ये इस विद्यालय में हर साल होता है, ये पहली बार नहीं है। यहाँ के बच्चे हमेशा जिले में अपना स्थान लाते रहे हैं। जब से हमने 2018 में हमने क्लास 12th खोला था, तब से कंटिन्यू अब तक ऐसा इस विद्यालय को सम्मान मिलता रहा बच्चों के द्वारा। किस किस संकाय के